मुसीबत के दिन टल जाएंगे, सब्र करना सीखो, तुम्हारे भी दिन आएंगे। मालिक परीक्षा ले रहा है तो उनकी कृपा की बरसात भी अवश्य होगी। मालिक की परीक्षा कठिन है तो उनकी कृपा भी उतनी ही शानदार होगी। तुम्हारी भक्ति और विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगी, खुशियों की दस्तक होगी। आज जो तुम्हें ताने मार रहे हैं, कल तुम्हारी किस्मत को देखकर हक्के बक्के रह जाएंगे। जितना बड़ा संकट उतनी ही अधिक कृपा, यह समीकरण याद रखना। इम्तिहान और सबूरी के पल जितने कड़वे हैं, मालिक की कृपा के फल उसे कहीं गुना अधिक मीठे होंगे। तुम कर्म करो, फल की चिंता ना करो, अपने सच्चे भक्तों की फिक्र मालिक को होती है, वे निराश नहीं करते। कौन किसके क्या योग्य है वे जानते हैं और बराबर फल देते हैं। मनुष्य की तो एक दिन सांसें भी साथ छोड़ देती है, फिर वे दुख को अपना क्यों मान बैठते हैं। यह दुख भी तुम्हारे नहीं है, इन्हें अपना ना मानो, इन्हें दूर करो और भक्ति में लीन हो जाओ। नाम स्मरण करो, सुख महसूस करोगे, देखते ही देखते सारा नजारा बदल जाएगा। दुखों की रातें सुखों की सुबह में बदल जाएगी। एक बात अवश्य ध्यान रखना, सुखों के दिनों में अहंकार ना आ जाए, क्योंकि देने वाला फिर से वापस ले भी सकता है। बुरे दिनों में अपने विश्वास पर दृढ़ रहना और अच्छे दिनों में दीनहीन बनकर ही रहना, जरा सा भी घमंड ना करना। घमंड के विशालकाय जहाज भी तूफानों में डूब सकते हैं और नम्रता की छोटी सी नाव भी तूफानों में किनारे लग सकती है, क्योंकि उस नाव पर मालिक की कृपा है। अतः दिन अच्छे हो या बुरे, सच्चे और नम्र ही रहे, डूबोगे नहीं, पार लग जाओगे। मालिक का साथ और उनकी कृपा सदैव बनी रहेगी, तुम्हारी श्रद्धा सबूरी और विश्वास की जीत होगी। खुश रहो।